नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम। अभी तक हमारे आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम और मैं दुर्गेश। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके लिए मैं हमेशा वीडियो लाता रहता हूँ, कंटेंट लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि हमारे नए वीडियो आपको हमेशा कंटेंट मिलते रहेंगे। और आपको जो भी वीडियो हमारे चैनल में मिलती है, हमेशा ओरिजिनल टेस्टेड वीडियो रहती है, कोई भी फेक वीडियो नहीं होता है फ्रेंड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके लिए मैं आज एक फिर वीवो का एक फ़ोन लेके आया हूँ। वीवो के बहुत सारे मॉडल के मैंने वीडियो डाल रखी है, तो क्या करें, वीवो के मार्केट में बहुत सारे मॉडल्स हैं, इसलिए मैं वीवो के कंटेंट हमेशा लेके आ रहा हूँ। तो जैसा कि देखा आपने कि यहाँ पे इसके अनलॉक लगा हुआ है, इसमें लॉक लगा हुआ है, किसी यूज़र ने इसके लॉक को भूल गया है। हम इसके लॉक को अनलॉक करेंगे, बहुत इजी मेथड से आपको दिखाएंगे यहाँ पे कैसे। ये वीवो का Y71 मॉडल है, मैं आपको बता दूँ इसको कैसे अनलॉकिंग करते हैं, बहुत ही सिंपल ट्रैक से। और दूसरी चीज़, इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसमें कॉलकॉम का सीपीयू लगा है। तो जैसा कॉलकॉम का सीपीयू लगा है फ्रेंड, तो इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दो टिप्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, दो टिप्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये आपका आइडियल टेस्ट पॉइंट है। तो इसीलिए मैंने इसका बैक पैनल खोल के रखा था, जिससे कि हमारे यूज़र, हमारे सब्सक्राइबर, हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ही सावधानी हो, बहुत ही आसानी हो इसको करने में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो टिप्स दिखाई दे रहे हैं, दो टिप्स, ये है आइडियल टेस्ट पॉइंट। इसको आपको बैटरी को रिमूव करके सारे प्रोसेस को करना है। तो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब लास्ट तक देखें, और जितना हो सके उतना आप शेयर करें। अब आगे आपको दिखाते हैं इसकी अनलॉकिंग, बहुत ही सिंपल मेथड, बहुत ही इजी मेथड्स। थैंक यू, आगे देखिए। चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, वीवो का हमने एक Y71 आपको दिखाया था मॉडल। अब उसे कैसे, वीवो का Y71 उसे कैसे अनलॉक करते हैं, हमने आपको उसका टेस्ट पॉइंट दिखाया था, एडियल टेस्ट पॉइंट। बिना वो एडियल पोर्ट उसके टेस्ट पॉइंट से काम नहीं करता फ्रेंड, जब तक उसमें एडियल पोर्ट नहीं बना था। जैसा कि हमने उसको दिखाया आपको एडियल उसका टेस्ट पॉइंट कैसे होता है, अगर आप देखना चाहते हैं गूगल में, तो मैं गूगल में भी आपको दिखा देता हूँ कि आपको वीवो का Y71 का टेस्ट पॉइंट एक्चुअल पिक आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आपको गूगल में डालना है वीवो Y71 टेस्ट पॉइंट। जैसे आप टेस्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपको इमेज में जाना है, और इमेज में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि हमने आपको दिखाया भी है, और आप एक बार और भी देख सकते हैं, आपको हमने यहाँ पे दिखाया भी है और आप एक बार और भी देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दो टिप्स है, आपको हमने बहुत ही इसी तरीके से दिखाया भी था, और उसको एक बार और भी आपको क्लिक करके दिखा देते। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसका टेस्ट पॉइंट है, ये देख सकते हैं इसका टेस्ट पॉइंट है वीवो का Y71। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी फ्रेंड्स, तो आप इसे लास्ट तक देखें। हम इसको इजीली सिंपल तरीके से इसका हटाएंगे, तो इसका QC फायर हम यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट करेंट के नए वीडियो हमेशा आपको मिलते रहें फ्रेंड्स। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे नए चैनल आपको हमेशा नए वीडियो, बेल आइकन दबा लें। तो फ़ोन को हम अब कनेक्ट करेंगे फ़ोन को, तो डिवाइस मेजर हम खोल के रख लेते हैं तब से फ्रेंड्स। डिवाइस मैनेजर को खोल के रखना है, अब फ़ोन को एडियल टेस्ट पॉइंट पे क्लिक करना है। अब मैं फ़ोन को कनेक्ट कर रहा हूँ, जैसा कि हमने आपको टेस्ट पॉइंट दिखाया हुआ है फ्रेंड्स, मैं फ़ोन को कनेक्ट कर रहा हूँ। जैसा मैं फोन को कनेक्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, और जैसा कि देख सकते हैं ब्लिंक हुआ है, हमारा ये पोर्ट बना दिया है। अब आपने पोर्ट को देख ही लिया होगा, अब हमें रीडियन टूल पे जाना है, उसके बाद अपना ब्रांड लेना है, वीवो ब्रांड लेना है। वीवो ब्रांड लेने के बाद अपना मॉडल लेना है Y71, हमने Y71 ले लिया है फ्रेंड्स। अब आपको यहाँ पे देखेंगे फॉर्मेट FS करना है, हमेशा जितना आपने देखा होगा सेव करना है, जितना आपने वीडियो देखा होगा इसी मेथड से देखा होगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी फ्रेंड्स। तो जितना हो सकेगा मैंने वीडियो का वीवो के तो सारे ऑल मॉडल के लगभग लगभग हमने बना ही दिए हैं। ये देख सकते हैं आप, इसका कॉलकॉम पोर्ट हमारा बना लिया, फ़ोन हमारा डिटेक्ट हो चुका है फ्रेंड्स।
आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आपके सामने लाइव चल रही है, लाइव प्रैक्टिकल चल रहा है और कोई भी वीडियो फेक नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये आपके सामने अब ये पूछ रहा है कि क्या आप FRP भी हटाना चाहते हैं, तो बिल्कुल उसमें FRP भी लगी होगी, तो उसके साथ साथ उसके आप FRP भी इजीली आप हटा सकते हैं। तो देख सकते हैं फिनिश्ड हो चुका है, हमारा फ़ोन रिस्टार्ट हो गया होगा, रिस्टार्ट हो चुका है फ़ोन, डाटा केबल से लगा है। अब हम फ़ोन को डिस्कनेक्ट करेंगे फ्रेंड्स, फ़ोन को डिस्कनेक्ट करेंगे और उसमें हम बैटरी इंसर्ट करेंगे। अब उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि हमारा फ़ोन हुआ कि नहीं हुआ। हमने उसका टेस्ट पॉइंट लाइव आपको दिखाया है, तो जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारा फ़ोन अनलॉक हमने कर दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स वाइप डाटा हो रहा है, ये वही फ़ोन है जो आपने देखा था फ्रेंड्स, ये वीवो का Y71, ये आपने लाइव टेस्ट पॉइंट इसका देखा था, हमने यूट्यूब पे भी उस पर भी दिखा दिया। तो ये देखिए इसका वाइप डाटा हो रहा है, उसमें FRP भी नहीं लगी होगी फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो जहाँ तक हो सके वहाँ तक उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कराइए। ये थोड़ा सा बूटिंग में टाइम लगेगा फ्रेंड्स, तो हम आपको ये वीडियो कोई फेक नहीं बनता हमारे चैनल में, इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स ये हमारा फ़ोन अनलॉक हमने कर दिया है, ये देखिए फ्रेंड्स वाइप डाटा हो रहा है, ये वही फ़ोन है जो आपने देखा था फ्रेंड्स, ये वीवो का Y71, ये आपने लाइव टेस्ट पॉइंट इसका देखा था, हमने यूट्यूब पे भी उस पर भी दिखा दिया। तो ये देखिए इसका वाइप डाटा हो रहा है, उसमें FRP भी नहीं लगी होगी फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो जहाँ तक हो सके वहाँ तक उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कराइए। ये थोड़ा सा बूटिंग में टाइम लगेगा फ्रेंड्स, तो हम आपको ये वीडियो कोई फेक नहीं बनता हमारे चैनल में, इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे हमारे सारी चीज़ें हो चुकी हैं और हम इसे आपको दिखाएंगे सारी चीज़ें, तो आप देख सकते हैं ये अनलॉकिंग हो चुका है। अब इसे हम सेटअप को देखेंगे कि हमारी अनलॉकिंग 110% हो चुकी है। अब इसे स्टेप करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और एग्री करेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स स्किप करेंगे, स्किप करने के बाद मोर, एक्सेप्ट, देखते हैं फ्रेंड्स FRP भी हट गई है कि नहीं हटी है। आई होप हट गई है बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि हमने इसकी FRP भी हटा दी है। स्किप करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, सॉरी स्किप करना था। स्किप करेंगे फ्रेंड्स, स्किप, डूज, यूज नाउ। तो आई होप ये फ्रेंड ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब और शेयर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़, ये वही सेट है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू।